तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेगमेंटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सेगमेंटेशन क्या होता है और सेगमेंटेशन के कौन कौन से बेसिस होते हैं, और जब भी हम लोग कोई सेगमेंटेशन चूज़ करते हैं तो उसमें से हम लोग कौन कौन से रिक्वायरमेंट ढूंढते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। सेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? सेगमेंटेशन इज़ डिवाइडिंग द मार्केट इंटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ बायर। तो ये जो हमारा इंटायर मार्केट है, इसमें दो टाइप के बायर है, एक जो है वो राउंड वाला है और एक जो है वो रेक्टेंगल है। तो इसमें क्या हो गया, हम लोगों ने इस इंटायर मार्केट को दो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक में सिर्फ ये जो है रेक्टेंगल वो है, और एक में सिर्फ जो है जो राउंड वाला है वो है। तो डिवाइडिंग द मार्केट इज़ ओनली द सेगमेंटेशन। जो हम लोग डिवाइड करते हैं मार्केट को तो उसे सेगमेंटेशन बोला जाता है। तो बायर ऑफ डिस्टिंक्ट नीड्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर। तो ये जो हम लोगों ने ग्रुप ऑफ पीपल को डिवाइड किया गया है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी जो नीड्स है वो भी डिफरेंट हो सकती है, उनकी जो बाइंग बिहेवियर है वो भी डिफरेंट हो सकता है। बट सिंपल मीनिंग क्या होता है सेगमेंटेशन का, डिवाइडिंग द होल मार्केट इंटू सब पार्ट्स। लाइक ये जो हमारा एंटायर मार्केट है, इसको हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स या छोटे छोटे ग्रुप में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है, इसी को बोला जाता है सेगमेंटेशन। तो चलिए जानते हैं सेगमेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। तो अगर हम लोग कोई भी सेगमेंटेशन चूज़ करने वाले हैं, मतलब हम लोगों ने बहुत एक इंटायर मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया, अब हम लोगों को उसका कैपेबिलिटी, उस सेगमेंट का कैपेबिलिटी जज करना है, तो हम लोग इन पांच पैरामीटर की हेल्प लेंगे उस सेगमेंट को जज करने में। तो सबसे पहला क्या आता है, मेजरेबल। तो जो भी सेगमेंटेशन हम लोगों ने चूज़ किया है, क्या वो मेजरेबल है, क्या हम उसको मेज़र कर सकते हैं, क्या वो जो मार्केट है उसके साइज़ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, उस मार्केट के जो बायर है उनके परचेजिंग पावर कितनी है ये हम लोग मेज़र कर सकते हैं, प्रोफाइल ऑफ द सेगमेंट, जो भी हम लोगों ने सेगमेंट चूज़ किया है हमारे कस्टमर का प्रोफाइल कैसा है, उन्हें वो कितना अर्निंग कमाते हैं वो लोग, और क्या हम लोग ये सब चीज़ मेज़र कर सकते हैं। तो ये अगर कर सकते हैं तो जो हम लोगों ने सेगमेंटेशन चूज़ किया था वो मेज़रेबल है। तो एक क्वालिटी पे, एक पैरामीटर पे वो फिट पड़ रहा है। अब सेकंड पैरामीटर पे हम लोग अपने सेगमेंटेशन को जज करेंगे। जो भी सेगमेंटेशन हम लोगों ने चूज़ किया है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, तो क्या वो एक्सेसिबल है, लाइक सेगमेंटेशन मस्ट इफेक्टिवली रीचेबल एंड सर्वेबल। तो जो भी सेगमेंटेशन हम लोगों ने चूज़ किया है, क्या हम उन तक पहुंच सकते हैं, क्या हम उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं और उन्हें सर्व कर सकते हैं जो भी अपने प्रोडक्ट और सर्विस के साथ, अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ भी पास होते हैं। अब थर्ड हमारा जो पैरामीटर आता है वो आता है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल क्या होता है, सेगमेंटेशन मस्ट बी लार्ज और प्रॉफिटेबल इनफ टू सर्व। अब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने देखा कि दो तीन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ से, तो हम लोगों ने उसका उसके लिए एक प्रोडक्ट बना लिया, तो वो हमें फ्यूचर में कभी प्रॉफिट नहीं देने वाला, राइट। तो जो भी सेगमेंटेशन है हम लोग सब्सटेंशियल में हम लोग क्या जज करते हैं, कि वो इतना बड़ा हो, मतलब उसमें इतने कस्टमर हो कि हम लोग प्रॉफिट, इनफ प्रॉफिट कमा सकें उस सेगमेंटेशन से। तो इसे को क्या बोला जाता है, सब्सटेंशियल। फिर क्या आता है, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या होता है, सेगमेंट्स मस्ट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट एंड एक्शन। तो अगर हम लोगों के पास तीन चार सेगमेंट्स है, तो हमारा जो एक सेगमेंट है वो बाकी सारे सेगमेंट का जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो लोग सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या आता है, डिफरेंशियल। जो भी हम लोगों का मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगा एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, वो डिफरेंट होगा दूसरे सेगमेंट से। तो इसको ये होता है डिफरेंशियल। और लास्ट क्या आता है, एक्शनेबल। एक्शनेबल क्या होता है, मस्ट बी एबल टू अट्रैक्ट और सर्व द सेगमेंट। सो जो भी हमारा मार्केट सेगमेंटेशन हम लोगों ने चूज़ किया है वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और हम लोग कस्टमर को सर्व कर सके। तो एक्शनेबल का मतलब हम लोग एक्शन कर सके। एक्शन हम लोग कैसे करेंगे बिजनेस में, कस्टमर को सर्व करके। तो ये है पांच पैरामीटर जिस पे हम लोग जज करते हैं सेगमेंटेशन को कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। पहला क्या था, मेजरेबल, कि हम लोग मेज़र करते हैं साइज़ को। सेकेंड क्या था, एक्सेसिबल, क्या हम लोग पहुँच सकते हैं अपने कस्टमर तक, क्या हम लोग रीच कर सकते हैं उन तक। फिर क्या आता है, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल क्या होता है, क्या वो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन इतना बड़ा है जो
जो हम लोगों को प्रॉफिट दे सके। फिर क्या आता है डिफरेंशियल, क्या वो डिफरेंट है, और सॉरी वो डिफरेंट होना चाहिए हमारे बाकी के मार्केटिंग स्ट्रेटजी से। फिर क्या वो एक्सनेबल है, क्या हम लोग अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो भी हम लोग इंसेंटिव्स डालेंगे लाइक डिस्काउंट है 50%, बाय वन गेट टू फ्री, तो क्या ये जो भी हम लोग एक्शन ले रहे हैं उसका कोई रिस्पॉन्ड आएगा उनकी तरफ से। अगर ये पाँचों चीज़ पर हमारा जो भी आंसर यस में आता है तो हमारा जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो वाइबल है और हम लोग इसके साथ जा सकते हैं आगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेगमेंटेशन मेथड्स, तो बेसिस और मेथड्स से टाइप सब सेम ही होते हैं। लाइक इसमें हम लोग मार्केट को कैसे सेगमेंट करते हैं, हम लोगों को पता चल गया एक इंटायर मार्केट है, अब हमें इसको फोर पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या क्या कौन कौन सी मेथड से इस फोर पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब हमारे पास जो सेगमेंटेशन है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग एक फॉरेन कंपनी है और हम लोग इंडिया में आने वाले हैं, तो अब हम लोग इंडिया का जो टोटल इंटायर मार्केट है उसको हम लोग जियोग्राफिक सेगमेंटेशन करेंगे। कि हम लोगों ने, मान लीजिए हम लोगों ने साउथ इंडिया में फोकस किया, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ साउथ इंडिया में ही सेल होगा। तो इसमें जब हम लोग इस प्रकार का सेगमेंटेशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। हम लोगों ने जियोग्राफिकल बेस पे सेगमेंटेशन किया है। तो क्या क्या, ग्रुपिंग कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर रीजन, सिटी एंड क्लाइमेट। हम लोगों ने अपने जो कस्टमर है उसको ग्रुप किया है उनके रीजन, मतलब जो जगह से वो लोग बिलोंग करते हैं। ओके, फिर क्या आता है डेमोग्राफिक। तो हमारा जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो डेमोग्राफिक बेस पे भी हो सकता है। डेमोग्राफिक बेस पे कैसे हो सकता है, लाइक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर बेस्ड ऑन एज, जेंडर और रेस। अब हम लोगों ने अपने शायद हम लोग सोचेंगे कि जो हमारा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो पर्टिकुलर 18 to 30 जो पीपल रहते हैं वही यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम लोग अपना जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसको डिवाइड करते हैं, उसको डेमोग्राफिक मतलब एज के अकॉर्डिंग 18 to 30 ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं यूज़ कर सकते हैं। जेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ बना रहे हैं जो सिर्फ फीमेल के लिए है, तो ये भी ये आता है डेमोग्राफिक में। और रेस के अकॉर्डिंग, तो जब भी हम लोग मार्केट को एज, जेंडर और रेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो ये होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर क्या आता है जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो ये डेमोग्राफिक का ही एक पार्ट है, यूज फॉर क्लासीफाइंग एंड कैरेक्टराइजिंग नेबरहुड्स और लोकेलिटीज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट रेसिडेंट्स लिविंग नियर ईच अदर आर लाइकली टू हैव सिमिलर डेमोग्राफिक, सोशो इकोनॉमिक एंड लाइफ स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हम लोगों का एक प्रिंसिपल होता है कि अगर एक पर्सन जिस लोकेलिटी से बिलोंग कर रहा है उसका भी सेम सोशियो इनकम और लाइफस्टाइल कैरेक्टरिस्टिक होगा, सेम उसका डेमोग्राफिक मतलब उसका भी जो लाइफ को जीने का तरीका, लाइफस्टाइल क्या होता है जीने का तरीका, वो सेम ही होगा। जब हम लोग एक पर्टिकुलर मतलब हम लोगों ने क्या किया, पांच छह लोगों के बाइंग बिहेवियर को जज किया और उसके बाद हम लोगों ने उस लोकेलिटी को पूरा जज कर लिया और उसी के बेस पे उसको डिवाइड किया, तो ये क्योंकि क्या होता है जियो डेमोग्राफिक, मतलब कुछ लोगों के बिहेवियर और कुछ लोगों के इनकम स्टेटस के हिसाब से हम लोगों ने एक एजम्पशन माइंड में किया कि इस लोकेलिटी के सारे लोग जो हैं, सारे कस्टमर हमारे इसी प्रकार का सोशियो इकोनॉमिक होगा उनका और इसी प्रकार का लाइफस्टाइल होगा। फिर क्या आता है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक क्या होता है, डिवाइड्स अ मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक मार्केट को डिफरेंट ग्रुप में, और ये जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो हम लोग बेस होगा क्लास, लाइफस्टाइल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लाइक मैं कैसे देखता हूँ किसी भी, अगर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, अगर एक जो पर्सन है वो कंजम्पशन माइंड वाला है, लाइक वो जो सोचता है कि मैं फ्यूचर का नहीं देखता हूँ, मैं प्रेजेंट की नीड को सेटिस्फाई करूँगा, और एक कस्टमर है जो फ्यूचर को सिक्योर करता है भला ही वो प्रेजेंट में उसको कुछ कुछ चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़े। तो जब हम लोग इन सब चीज़ों को देख रख के सेगमेंटेशन करते हैं, मतलब इंटायर मार्केट को डिवाइड करते हैं, तो वो आ जाता है साइकोग्राफिक, मतलब हम लोग अपने कस्टमर के माइंड को पढ़ रहे हैं,
उनके पर्सनल कैरेक्टर्स को जज कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल को जज कर रहे हैं, उनके सोशल क्लास को जज कर रहे हैं। जब हम लोग उनके माइंड को जज करके एस्टिमेट करके एक सेगमेंटेशन करते हैं तो वो आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर लास्ट क्या आता है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्या होता है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है किसी जो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। अगर चलिए मान लेते हैं कि हम लोग एक सॉल्ट कंपनी है, तो हम लोगों का जो कस्टमर है उसका यूजेज रेट जो है वो सेम ही होने वाला है, राइट। क्योंकि अगर हम लोग 2-3 रुपये ज़्यादा भी बेचेंगे सॉल्ट को, तो उसके वजह से कोई कस्टमर सॉल्ट कम थोड़ी यूज़ करेगा। तो जब हम लोग जो हमारा बायर है डिवाइड्स बायर इनटू सेगमेंट बेस्ड ऑन कंज्यूमर नॉलेज एटीट्यूड यूजेज एंड रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट। जब हम लोग अपने बायर को इस तरीके से सेगमेंट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं कि उनका नॉलेज कितना है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उनका एटीट्यूड कैसा है उस प्रोडक्ट के लिए, वो कैसे यूज़ कितना बार, कितना इंटेंसिटी ऑफ यूजिंग कितना है, और कैसा रिस्पॉन्स करते हैं एक प्रोडक्ट के लिए। जब हम लोग बिहेवियर को जज करके सेगमेंट करते हैं, एक कस्टमर के बिहेवियर, उसके नॉलेज, उसके यूजेज रेट को जज करते हैं और इसके बाद सेगमेंट करते हैं, तो वो होता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोग टारगेटिंग और पोजिशनिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।